सो अभी एक नया प्रोग्राम देखते हैं, इसके अंदर भी सर्वलेट ही है। ओके, सर्वलेट के एग्जांपल्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए। यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज़ करना है। अब जब रिक्वेस्ट डिस्पैचर का बात आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दोनों सेम टाइप के हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज़ करो, ओके, एक सर्वलेट क्रिएट करो और सर्वलेट क्रिएट करने का यूज़र नेम पासवर्ड बताओ। इफ़ पासवर्ड एंटर्ड बाय द यूज़र, मतलब इफ़ इट इज़ वैलिडेटेड, ओके, इफ़ द यूज़र इज़ वैलिडेटर, इफ़ इज़ एंटर्स द सर्वलेट एज अ पासवर्ड, देन फॉरवर्ड इट टू वेलकम सर्वलेट, एल्स द यूज़र विल स्टे ऑन द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज इट सेल्फ एंड एरर मैसेज विल बी। ये क्या लिखा है? देन ही विल बी फॉरवर्डेड टू वेलकम सर्वलेट, एल्स यूज़र विल स्टे ऑन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज एंड एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। ओके, एंड देन अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, यूज़ रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, डिज़ाइन अ फॉर्म टू एक्सेप्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इफ़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, देन कंट्रोल शुड गो टू वेलकम सर्वलेट, वही करना है, एंड डिस्प्ले हेलो, ओके, विद द यूज़र नेम एंटर्ड, इफ़ द पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन देन कंट्रोल शुड गो टू एरर सर्वलेट विच डिस्प्लेज एरर इन लॉग इन। ओके, सो फंडा क्या है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा अलग काम किया गया है। सी, दोनों है सेम, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे ना उसने बोला गया है ये फॉरवर्ड करेगा वेलकम सर्वलेट के ऊपर, यहाँ पे भी वेलकम सर्वलेट के ऊपर जाएगा, दैट्स इट। ओके, अभी अगर उसने गलत किया रहेगा तो एल्स द यूज़र विल स्टे ऑन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर जाएगा और एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। अब यार इसमें है ना, उन्होंने एक चीज़ बताया है कि यूज़र विल स्टे ऑन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे ये नहीं बताया उन्होंने कि यार एक्चुअल में बताओ कि एच टी एम एल मतलब कौन सा फाइल से वो लॉग इन करने वाला है। क्या लॉग इन का फाइल अलग है? ओके, क्या लॉग इन का फाइल अलग है या नहीं है? ओके, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक लॉग इन का फाइल अलग ही बनना चाहिए। ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली ए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ओके, अगर देखने को जाएंगे तो दैट्स इट। तो एक लॉग इन का पेज बना लेते हैं जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जाएगा, जो दोनों जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एक पेज बनाते हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर रहेगा जो इसको इधर उधर भटकाएगा, दैट्स इट। ओके, और कुछ नहीं करने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एच टी एम एल लॉग इन। ओके, सो लॉग इन के अंदर यूजर नेम पासवर्ड, देन पहला फॉर्म लो। ओके, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेथड जो रहेगा वो गेट ही रखो, एक्शन बताया नहीं है, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्वलेट बनाएंगे, बोलेंगे उसको रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी नाम को, नाम देंगे उसको, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड दैट्स इट, एंड द नेम इज यूजर नेम। ओके, सो दैट्स इट। डिज़ाइन कर सकते हो आप चाहिए तो, मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। इनपुट टाइप सबमिट, ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा, पी ए, यहाँ पे टेक्स्ट रहने दो, क्या फ़र्क नहीं गिरता, बाद में हम लोग उसको पासवर्ड कर सकते हैं। अभी मुझको आरडी नाम का सर्वलेट बनाना है, उसको नाम देता हूँ आरडी, वेब डॉट एक्स एम एल में डाल देता हूँ उसका एंट्री, मैपिंग हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं। पहला एग्जांपल क्या था भाई, उसको क्या मांगता था, इफ़ द यूज़र हैज़ एंटर्ड सर्वलेट एज अ पासवर्ड। ओके,
ठीक है, श्योर. सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. ओके यू एन डॉट इक्वल्स, इसको भी सर्वलेट कर देता हूँ. ओके एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. ओके यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सर्वलेट. शो इफ कंडीशन के अंदर ये देख लेंगे. हाँ अगर सब कुछ सही हुआ तो क्या कर, फॉरवर्ड इट टू द वेलकम सर्वलेट. श्योर तो कुछ गड़बड़ है. हाँ या ना, नॉट इक्वल्स गेट पैरामीटर, यहाँ पे लिखना है पी ए. ओके और यहाँ पे लिखता हूँ सर्वलेट, चेक कर उसके अंदर भी वैल्यू क्या है. अगर सब कुछ सही से ही रहेगा तो हम लोग एक सर्वलेट बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेलकम सर्वलेट. ओके सो लेट्स ऐड अ सर्वलेट डब्ल्यू एल सी एम वन, दैट्स इट. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम. वेलकम क्या लिखने का है, सर्वलेट. श्योर दैट्स इट. अभी मुझे क्या करना है, अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही नहीं रहेगा, अगर सही रहेगा तो फॉरवर्ड इट टू द वेलकम सर्वलेट, एल्स यूज़र विल स्टे ऑन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ओके सो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बता दें. ओके होम पेज डन. और इसके अंदर बोलता हूँ नीचे, अरे कैसे यहाँ पे बोल देता हूँ कि यूजर नेम पासवर्ड वॉज नॉट करेक्ट. ओके सो इतना काम कर दिया अपन ने, दैट्स इट. तो अब मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज़ करता हूँ. ओके सो मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर. तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट तो लिख दिया, लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचर किधर है. ओके रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इज इक्वल्स टू न्यू रिक्वेस्ट डिस्पैचर. ओके ऐसा कभी नहीं होता. यहाँ पे होता है एक नया मज़ेदार चीज़, यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को इनिशियलाइज करते हैं. ओके यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर लिखना पड़ता है और यहाँ पे बताना पड़ता है मुझे जाना कहाँ है, तो किस सर्वलेट के पास जाना है. अगर सब कुछ सही हो तो डब्ल्यू एल सी एम वन इस सर्वलेट के पास जाना है, ये बता दिया मैंने. अगर वो गलत रहेगा तो किस सर्वलेट के पास जाना है, तो वो भी बताना पड़ेगा. तो सर्वलेट नहीं है वो तो HTML फाइल है. कौन सा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ओके तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, उसको वहाँ पे भेजोगे. तो लिखोगे आर डी डॉट क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, दैट्स इट. रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भेज दो, उसके साथ काम हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई इट. पहला मैं लॉग इन डॉट एच टी एम एल को रन करता हूँ. ओके सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सर्वलेट. ओके सबमिट. ओ यूजर नेम पासवर्ड वॉज नॉट करेक्ट, गया बराबर. देन यहाँ पे क्या करूँ, ये तब कुछ सब कुछ तो सही है ना, तो यहाँ पे क्या करूँ, अभी यहाँ पे वापस सर्वलेट लेट सर्वलेट. हाँ कहाँ पे गया, वेलकम सर्वलेट. ओके तो इससे क्या हो गया कि मुझे आराम से समझ में आ गया कि भाई मेरे पास अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर पेज. ओके एक्चुअली है ना, तुम लोग
HTML पेज के ऊपर भी ये सारा चीज़ें कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही काम करना है, वी कैन डू प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स ओके, लेकिन ये कैसा करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया काम हो गया, देर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्लूड ओके, मतलब सी यहाँ पे है ना, आप लोगों ने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा बराबर, सेम अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, सेम वापस यही कर लेता हूँ यहाँ पे भी, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ओके, तो इसको आर डी वन बोल देता हूँ ओके, सो यहाँ पे आर डी वन को इंक्लूड कर दो ओके, एंड आर डी इधर वन कर देता हूँ, इधर टू कर देता हूँ, इसको भी इंक्लूड कर दो, क्या होगा इससे, चेक इट आउट, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, सबमिट कर देता हूँ, क्या हुआ, वो आर डी वन के पास गया, मतलब वेलकम सर्वलेट के पास गया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं गया वो, यही तो मेन फंडा है ना, जब इंक्लूड करेंगे ना तो इसका मतलब ये भी इंक्लूड हुआ, ये भी इंक्लूड हुआ, ऐसा नहीं होता, इंक्लूड एंड फॉरवर्ड वर्क सिमिलर, बहुत हद तक सिमिलर ही वर्क करता है ओके okay? सी अगर आपका सब कुछ सही है, लेट अस कमेंट इट ओके, अगर आपका सब कुछ सही है, सर्वलेट एंड सर्वलेट, तो देखो बराबर आ गया, अगर कुछ गलत है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे चला गया, सो यूजुअली कैसा होता है मालूम है क्या, कि आप इंक्लूड बोल दोगे और फॉरवर्ड बोल दोगे तो दोनों में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंक्लूड एक्चुअल में वो अपने कोड के पास इंक्लूड कर लेता है, दैट इज़ ओके, बट आप लोग दो बार तीन बार चार बार जितने बार इंक्लूड करना है कर लोगे तो वैसा नहीं चलेगा ओके, सो इट इज़ वेरी मच सिंपल दैट यू हैव टू इंक्लूड इट ओनली वंस ओके, एक बार ही इंक्लूड करना है, दैट्स इट ओके, वही अगर मैंने ऐसा लिख दिया ओके और आर डी वन को दो बार इंक्लूड कर दिया, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, दो बार वेलकम आएगा बराबर ना, चेक कर लो, एक बार ही आया ओके, इंक्लूड के वक्त क्या होता है, वो प्रीवियस डेटा को फ्लश कर देता है, इसके लिए ये इंक्लूड भी सेम चलता है एज एन फॉरवर्ड ओके, सो याद रखना फॉरवर्ड यूज़ करो या इंक्लूड यूज़ करो, आउटपुट यूजुअली तो सेम दिखता है, सो बेटर है अपना सिंपल वे रख देना दैट्स इट, सो तीन चीज़ें बनी, लॉगिन पेज, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और वेलकम, सेकंड जो था वो भी तो सेम ही है, यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ़ द यूजर इफ द पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, इफ द पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, तो वेलकम सर्वलेट के ऊपर जा, वहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, हेलो विद द यूजर नेम ओके, इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू एडमिन देन कंट्रोल शुड बी एरर सर्वलेट, मतलब अभी यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, थोड़ा सा चेंजेस करने को बोला है, बोला है कि लॉग इन कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी है, वेलकम सर्वलेट के पास भी आएगा, लेकिन वेलकम सर्वलेट के पास आने के बाद यहाँ पे सर्वलेट नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा यूज़र का नाम ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे क्या नाम रहेगा, यूज़र नेम ओके, तो यहाँ पे लिखेगा यू एन ओके, अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो रहेगा एडमिन एडमिन, तो मैं जाएगा वेलकम के पास, अगर नहीं रहेगा तो एरर सर्वलेट, तो एरर सर्वलेट बना लेते हैं, ओके बन गया एरर सर्वलेट, इधर आ जाओ यहाँ पे लिखो एरर, दैट्स इट ओके,
अब आपके रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, err, दैट्स इट, वेरी सिंपल. लेट्स गो टू द लॉग इन अगेन, ऑलरेडी लोडेड है. ओके, यहाँ पे लिखता हूँ समथिंग, यहाँ पे लिखता हूँ समथिंग, किधर गया, एरर. ओके, अभी लिखता हूँ एडमिन और यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, किधर गया, वेलकम के पास. तो बोथ ऑफ द प्रैक्टिकल्स आर यूजुअली सेम. ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना ही और कुछ नहीं. ओके,